नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। दोस्तों, अभी तक आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज आपके लिए पंचायत सहायकों से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए हैं, बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, पंचायत सहायकों के नियमितीकरण, मान सम्मानित एक मानदेय और कार्यकाल बढ़ोतरी को लेकर ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। जयपुर पंचायत सहायकों के नियमितीकरण की मांग। शहीद स्मारक पर कर रहे हैं प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जुट रहे हैं विद्यार्थी मित्र। राजस्थान विद्यार्थी मित्र संघ के बैनर तले जुटे प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र खीचड़ भी शहीद स्मारक पर मौजूद। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट इंडिया के ट्विटर हैंडल पर ये पोस्ट की हुई, ये 11:58 पर पोस्ट की हुई न्यूज़ है कि पंचायत सहायक अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर अजमेर से 10 जून को पैदल दांडी यात्रा लेकर चले थे। इसके बाद विभिन्न जिलों से पंचायत सहायक जयपुर शहीद स्मारक पर पहुंच रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग है दोस्तों, इनका नियमितीकरण, कार्यकाल बढ़ोतरी और एक सम्मानजनक वेतन या मानदेय, सम्मानित वेतन या मानदेय 24,000 रुपये किया जाए, इनका कार्यकाल बढ़ा जाए, इनका नियमितीकरण किया जाए और इनको एक ही विभाग, शिक्षा विभाग या पंचायती राज विभाग के अंतर्गत रखा जाए। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपकी सबसे बड़ी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ, पंचायत सहायकों के नियमितीकरण को मांग को लेकर शहीद स्मारक जयपुर पर हो रहा प्रदर्शन। राजस्थान विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक संघ के बैनर के नीचे हो रहा प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी भी दोस्तों शहीद स्मारक पर मौजूद। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फटाफट खबरों के लिए, पंचायत सहायकों के लिए आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।